सामने आ रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी मौत और इतने हंगामे के बाद भी अस्पताल प्रशासन की नींद नहीं टूटी है। आईसीयू में मासूम ठिठुरते रहे। जो दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा वो वार्मर को लेकर आ रही है कि वो ठीक से काम नहीं करे। सिस्टम आग सेकता रहा। सुबह दोपहर शाम अस्पताल से बच्चों की लाश निकलती रही। डॉक्टर मौत की वजह गिनाते रहे। 3 घंटे अगर वो ट्रेवल होकर आ रहा है, 4 घंटे ट्रेवल होकर आ रहा है, और अगर ट्रेवलिंग में उसको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है। 34 दिन में 104 बच्चे मौत की गोद में चले गए। कोई साफ सफाई नहीं है यहाँ पे, और प्रशासन की आंख तक नहीं खुली। ये तस्वीरें राजस्थान में कोटा के जेके लोन अस्पताल की है, जो मासूमों का मृत्यु लोक बन चुका है। लेकिन 3 दिसंबर की सुबह अस्पताल में सब कुछ बदला बदला सा दिखने लगा। अस्पताल के भीतर रंग रोगन शुरू हो गया। बल्ब और ट्यूबलाइट बदले जाने लगे। अस्पताल के बाहर झाड़ू लगने लगे। जूते रखने के रैक तक सजने लगे। जिस अस्पताल को 24 घंटे पहले मासूमों का मृत्यु लोक कहा जा रहा था, वहां सुबह होते ही इन तस्वीरों को देखकर यही लगा कि शायद प्रशासन की नींद खुल गई। लेकिन जब सच से सामना हुआ तो हकीकत कुछ और ही नहीं, और सच्चाई बयान की अस्पताल में भर्ती बच्चों के माता पिता, जिनके लिए ये इंतजाम उन जख्मों पर मिर्च लगाने जैसा। अंदर से लेकर बाहर तक गंदगी रहती है, आज ही हुई है सारी सफाई। अस्पताल में मौजूद लोगों से बातचीत में पता चला कि अस्पताल प्रशासन तो सिर्फ मंत्री जी की अगवानी के लिए नींद से जगा है, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा अस्पताल पहुंचने वाले हैं। अब अगवानी मंत्री जी की होनी है तो अफसरों को महसूस हुआ कि इतना काफी नहीं है, कारपेट तो होना ही चाहिए। बस क्या था, आनंद फानन में मखमली गलीचे का भी इंतजाम हो गया, कारपेट बिछा दी गई। बस गलती इतनी हो गई कि मंत्री जी की अगवानी के लिए हो रही ये तैयारी मीडिया से नहीं छिप सकी। जिस अस्पताल में रोज 3 से 4 बच्चों की मौत हो रही है, वहां एक मंत्री के स्वागत के लिए ऐसा इंतजाम। न्यूज 18 ने जब ये खबर दिखाई तो चापलूस अफसरों को समझने में देर नहीं लगी और कारपेट हटा दी गई। इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कैसे पहले मंत्री जी के लिए कारपेट बिछाई गई और फिर न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद उसे हटा दिया गया। अफसरों ने अपनी गलती भांपते हुए कारपेट भले ही हटा दी, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका था। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने में देर नहीं की। ये जो तरीका है कि रेड कारपेट पे मंत्री जी मौतों पे आए, इससे बड़ी शर्मनाक और कोई घटना नहीं हो सकता। मंत्री जी के लिए ग्रीन कारपेट का इंतजाम किए जाने को लेकर दिल्ली में भी सियासी युद्ध छिड़ा। इस तरह की अगर व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के बच्चे मरे हैं, कम से कम उन लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम होगा। तो मैं तो गरीब घर से पैदा हुआ बच्चा हूँ, मुझे कोई रेड कारपेट पे चलने की ना तो आदत है और ना मैंने किसी अधिकारी को कहा है। ये भी गलत परंपरा है, इसको बंद करेंगे हम। ग्रीन कारपेट से अस्पताल में मंत्री जी के दौरे के लिए सियासी पिच तैयार हो गई थी, इसीलिए मंत्री जी के पहुंचते ही सियासत का पार्ट 2 शुरू हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई। दोनों के कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के इस वक्त कोटा के अस्पताल के अंदर, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हंगामा बवाल काट रहे हैं यहाँ पर लगातार। अस्पताल में हंगामे के बाद में जो परिजन है, तमाम लोग हैं, उनको एक तरफ किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ता उनको एक तरफ कर दिया गया। सियासत तो कभी खत्म न होने वाला ऐसा सिलसिला है, जो एक बार शुरू हो जाए तो उस पर लगाम लगना नामुमकिन हो जाता है। अस्पताल में मासूमों की मौत पर भी यही सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन अफसोस ये कि इस सियासी शोर में मासूमों की मौत पर लाचार माँ बाप की सिसकियां दब जा रही। राजस्थान में बच्चों की मौत पर पूरे देश में सियासी बवाल छिड़ा है, लेकिन अस्पताल प्रशासन और सिस्टम पर शायद ही इसका कोई असर पड़ा है। अस्पताल में भर्ती बच्चों के माता पिता की माने तो अस्पताल के अंदर ना तो डॉक्टर्स का रवैया बदला है, ना ही अस्पताल की सूरत। इलाज के लिए जरूरी उपकरणों की कमी पहले की तरह बनी हुई है। अस्पताल में मासूमों की मौत पर मातम।
जब कराम को एक पलंग पर तीन बच्चे, मैं नीचे सोई, मेरे बच्चा को मैंने पलंग पर सुलाया, तीन बच्चे पलंग पर सोए, हम नीचे सोए। 103 के लमसम जो डेट हो चुकी है उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रही है। अस्पताल के बाहर सियासत का शोर, चिकित्सा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। फिर भी नहीं बदली है अस्पताल की सूरत। उसी आईसीयू के अंदर जहाँ ये लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वार्मर ठीक काम नहीं कर रहे हैं और जो बच्चों की लगातार मौतें हो रही है उसको लेकर सवाल खड़े करें। राजस्थान के कोटा का जेके लोन अस्पताल मासूमों का मृत्यु लोक क्यों बना हुआ है, ये समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम ने अस्पताल का दौरा किया और यहाँ भर्ती बच्चों के माता पिता से बात की तो समझ आया कि सियासी शोर में सच्चाई तो दबी ही जा रही है। सुन रहे नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, ये साफ सफाई भी आज हुई। आज हुई साफ सफाई, जब मंत्री जी आने तब, पहले नहीं, पहले कोई सफाई नहीं है। ऊपर जाके देख लो लेटरिन बाथरूम ऐसे कैसा ही पड़ा था, जब से मंत्री जी आने लगे तब से साफ सफाई हुई है। एक पिता ने अस्पताल के कर्मचारियों की मौजूदगी में सच बयान किया तो इससे वहाँ मौजूद अस्पताल के कर्मचारी झूठ नहीं बोल सके और ये साफ हो गया कि बच्चों की मौत की वजह सोता अस्पताल प्रशासन और यहाँ का लापरवाह सिस्टम। सर अपने हीटर होता है अंदर, हाँ, तो जैसे मतलब वो हीटर होता है तो उसका एक जो पिक्स होता है कि भाई इतने, यहाँ क्या है देखो इस मतलब मशीनें कम है और ये कंटिन्यू चलते हैं, अपने यूँ मान के चलो आप लगातार कंटिन्यू चलते हैं मशीनें कम होने की वजह से, तो वो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है सर हीटर की, वार्मर में ज़्यादातर प्रॉब्लम हीटर की आती है सर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के दौरे से पहले अस्पताल की ट्यूबलाइट और रंग रोगन का काम जिस तरह से हो रहा है उससे पीड़ितों के आरोप में दम भी नजर आता है। हालांकि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का दौरा करने के बाद वादा किया है कि अगले दो हफ्तों में वो अस्पताल की सारी कमियां दूर कर दें। बच्चे जो भर्ती हैं उनको किस तरह की चिकित्सा सुविधा यहाँ दी जा रही, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं आज, एक बेड पे दो बच्चे हैं तो उनको ये चाहिए था, पांच साल सत्ता में थे, वो जो 60 बेड हमने स्वीकृत करके गए थे वित्तीय स्वीकृति जारी, वो कहाँ गायब हो गए। अस्पताल की हालत और यहाँ लगातार हो रही बच्चों की मौत की वजह से राज्य सरकार बैकफुट पर है और बीजेपी हमलावर हो गई है। जोधपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने भाषण में बच्चों की मौत का मामला उठाया। कोटा में जो बच्चे हर रोज मर रहे हैं ना, इसकी एक बार चिंता कर लीजिए, माताओं की हाय लग रही है, माताओं का हाय लग रहा है। और दिल्ली के दरबार के सामने इतना मत झुकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बच्चों की मौत को लेकर हर किसी के निशाने पर हैं। हालांकि उनकी दलील है कि अस्पताल में बच्चों की मौत का आंकड़ा उनके कार्यकाल में कम हुआ है। बेड हमें सेंक्शन के 60 बेड का गायब हो गए। अगर कोई जांच करनी है तो अपनी गवर्नमेंट के कारनामे जांच करें। हम तो खुद प्रायोरिटी रख कर के चाहते हैं किस प्रकार से बच्चे, एक भी बच्चे की मृत्यु दर कम होनी चाहिए। अस्पताल की बदहाल सूरत सामने आने के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मदद के लिए आ गया है और उसने 50 लाख रुपए के उपकरण अस्पताल को देने का वादा किया है जिससे अस्पताल की हालत कुछ सुधरने की उम्मीद है। इसके साथ ही केंद्र ने भी राज्य सरकार को मदद की पेशकश की है।